हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाइदिल आसवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कहता है आपसे फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। काफी इंटरेस्टिंग है योर क्वेश्चन नंबर 7। आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि आपने 31st टर्म निकाली है एपी की, जिसकी 11th टर्म दी है, यानी 11th टर्म A11 दिया है आपका। A11 इज कितना है आपका, 11 इज 38, ये है आपका 38। एंड उसके बाद 16th टर्म है, यस A16 इज 73 ही है, यस। आपने इसका 31st टर्म निकालना है। बिफोर फाइंडिंग द 31st टर्म वी मस्ट नो द डी एंड ए। हमें डी और ए हर कंडीशन में मालूम होना ही होना चाहिए, डी और ए, क्योंकि ए भी हर जगह यूज होता है आपका, एंड साथ में डी भी आपका यूज होता है, क्योंकि कोई भी टर्म फाइंड करें आपका डी यूज होना है वहां पे, एंड साथ में ए भी यूज होना है। तो हम सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे डी या ए, जो भी होगा। आप जानते हैं ए इलेवन का फॉर्मूला है आपके पास, ए प्लस 10 डी। अब A11 आपका 38 दिया हुआ है इज इक्वल टू A plus 10D एज इट इज। ना A दिया हुआ है, ना 10D, ना D दिया हुआ है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद A16 इज इक्वल टू कितना है आपका, A plus 15D होगा। एंड A16 है 73 इज इक्वल टू A plus 15D। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो आपकी हो गई, ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब आपने पैरालीनियर इक्वेशंस जो है वो आप पढ़ चुके हैं पहले ही। आप या तो ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें, जो आप चाहें वो करें। हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हम फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सेकंड को आप फर्स्ट लिखिएगा, पहले लिखिएगा, दैट इज इक्वल टू A plus 15D इज इक्वल टू 73। मैंने चेंज किया आगे थोड़ा, हमने क्या किया, जो आपका RHS था उसको LHS बनाया, और जो आपका LHS था उसको आपने RHS बना दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं जरा। देखिए सेकंड फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, A plus 10D इज इक्वल टू है आपका कितना, 38। चलो जरा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस तीसरा साइन, ये खत्म हो गया। एंड यहाँ भी माइनस साइन प्लेस कर दी, यहाँ बचेगा आपका 5D इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस लगा दिया, 13 में से 8 बाकी, बचेगा आपका 5, यहाँ बचेगा 6 में से 3 बाकी 3, ठीक है। डी इज इक्वल टू 35 अपॉन 5D, निकलेगा आपका 7। डी इज यूर 7, डी आपका 7 हो गया ना। अब आपने क्या फाइंड करना है, हम अब ए फाइंड करेंगे, क्योंकि ए आपको लगना ही लगना है। अब कोई सी भी टर्म निकालनी हो ए तो जरूरी है, क्योंकि आप हम फाइंड करने जा रहे हैं A31। A31 जो आपने फाइंड करना है उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए ए। चलिए जी, अभी ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे पुट डी इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन में आप 7 पुट करिएगा, कहाँ डी की जगह। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 38 इज इक्वल टू A plus 10 into 7 हो जाएगा। 38 इज इक्वल टू A plus 70 बनेगा, 10 7 70 होता है ना आपका, ओके। ये बनेगा 38 minus 70 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, ये कितना बचता है, माइनस कितना, 32। A निकलेगा आपका माइनस 32, 38 में से 70, 70 में से 38, हाँ ठीक है, माइनस 32 A निकल गया। नाउ फाइनली हमने फाइंड करना है A31। अब इजी है, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं, A31 का फॉर्मूला A plus 30D होता है आपका, लगा दिया फॉर्मूला आपने। अब चलिए जी, A कितना है आपका, अभी फाइंड किया, माइनस 32 प्लस 30 into D कितना हो गया आपका, D अभी फाइंड किया था, D आपका कितना है, 7 है। चलिए जी आगे क्या होगा, ये माइनस 32 एज इट इज, ये हो जाएगा आपका कितना, 210, 37 are 210, ठीक है। माइनस करेंगे, ये कितना बचता है आपके पास, 210 माइनस 32, 10 में से 2 बाकी, 8 बचा, यहाँ बचा आपका 20 में से 3 के बाकी 17, ठीक है, 178। 31st टर्म आपका कितना हो गया, 178। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, काफी आसान है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8
एक एपी में 50 टर्म्स है, एक एपी में, क्वेश्चन नंबर 8 है ना आपका, एक एपी में 50 टर्म्स है, यानी एन इज इक्वल टू दिया है आपका 50, एन कितना है 50, एन नंबर ऑफ टर्म्स, एन 50 है, एक एपी में अगर 50 टर्म्स है तो एन उसका 50 है। एंड थर्ड टर्म ए थ्री दिया हुआ है, ए थ्री इज इक्वल टू कितना है, ए थ्री आपका, ए थ्री दिया है 12, ए थ्री इज 12। एंड साथ में दिया हुआ है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी ए एन, ए एन यानी ए 50 है, 106, इसको आप ए 50 भी लिख सकते हैं या ए एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म कहा है ना, लास्ट टर्म यानी कि ए एन दिया है, कितना है ए एन आपका 106 दिया, इतना ही है क्या, कहाँ गया भाई, हाँ आपने 29 टर्म फाइंड करना है, ए 29 फाइंड करना, यहीं से फाइंड होगा, सबसे पहले ए फाइंड होगा तो काम खत्म। हमें मालूम है, हम शुरू करेंगे, आपका सॉल्यूशन जो शुरू होगा वो लिखिएगा, क्या है आपका आपका सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होगा, हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से क्या निकलेगा, ए एन दिया है, ए नहीं दिया है, तो आपका यहाँ से निकलेगा डी, डी ही निकलेगा ना, एन की जगह 50 लगाना है, डी निकलेगा, डी निकलेगा क्या, चेक करते हैं, ए नहीं दिया है, एन माइनस वन, एन की जगह भी दिया है एंड डी नहीं दिया है, डी आपका नहीं दिया है। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म दी हुई है 12 एंड लास्ट टर्म दी हुई है 106। चलो जी, नहीं नहीं होगा, इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन होने वाला नहीं है, हम सीधा लिखेंगे ए 50, ए 50 इज इक्वल टू कितना है, ए 50 का फॉर्मूला ए प्लस 49 डी हो जाएगा। अब ए 50 दिया है, ए 50 कितना है आपका, ए 50 है 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी, इसने कहा है ना लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी आपकी, ए 50 है, वो दिया है। उसके बाद एक और चीज दी हुई है, वो है आपके पास कितना दिया हुआ है, एंड साथ में दिया हुआ ए 3, ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d है फॉर्मूला, एंड ए 3 कितना है आपका 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड ये होगी सेकंड। हम क्या करेंगे यहां से आगे, सबट्रैक्ट कर लो जी, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट कर लेंगे हम, चलो जी सबट्रैक्ट कर लो, आएगा सेकंड को आप पहले लिखो, क्या है आपका ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है, एंड फर्स्ट को बाद में लिखेंगे, क्या है आपका a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, करो जी सबट्रैक्ट, खत्म खत्म, 48 नहीं, यहाँ कितना बचेगा 2d माइनस 49d, 47d इज इक्वल टू, ये कितना बचता है, माइनस करेंगे तो 106 में से 12 जाएगा, 6 में से 2 के बाकी 4, यहाँ बचेगा 10 में से 1 के बाकी 94 बचेगा आपका, कितना 94, डी इज इक्वल टू 94/47। अब देखिए डी इज इक्वल टू 47 मान जा, 47 टू जा, डी निकला आपका 2, डी आपका 2 निकला ना, अब आपने क्या यहां से आगे फाइंड करना है, डी अगर 2 निकला अब आपको ए मालूम होना चाहिए, फिर ही जाके आपके पास क्या चाहिए होता है, फिर हम निकाल सकते हैं 29th टर्म या कोई और भी टर्म पूछी हो तो। हम लिखेंगे यहां से अब पुट डी इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, फर्स्ट में ही पुट करो या सेकंड में, जहां चाहे वहां पुट करें, डी की जगह ठीक है ना, नहीं हम फर्स्ट नहीं करेंगे, हम सेकंड करेंगे, सेकंड थोड़ी छोटी सी इक्वेशन है, सेकंड क्या है 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 है, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू, ये नहीं अभी, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4, 2 टू 4, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 4, ए इज इक्वल टू 8, ए निकला ना आपका 8, ए आपका 8 निकल गया, अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकालना है, हमने निकालना है ए 29, नाउ ए 29, A 29 is equal to formula A plus 28 D, हो गया ना, A 29, A कितना है 8 plus 29 into D कितना है, अभी निकाला आपने 2, 8 ऐसे ही plus 29 2 जार होता है 58, 8 plus 58 होता है 64, हो गया आपका। चलिए जी 50th term क्या दिया था, 15th term था आपका 106 and इसका 29th term आ रहा है 64, आप चेक कर सकते हैं, अगर यहां से चाहे इसका 30th term, इसका 35th term क्या होगा, 40th टर्म क्या होगा, 45th टर्म क्या होगा, आप आसानी से यहाँ से आगे फाइंड कर सकते हैं। नाउ हमारे पास है इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ
The third term and ninth term of an AP are 4 and minus 8, which of this term is 0? इसमें बोलना है आपने 0 क्या होगा. थर्ड टर्म दिया है, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म सॉल्यूशन. चलिए जी, ए थ्री कितना है आपका? ए थ्री दिया है 4. ए थ्री कितना है? 4. एंड ए नाइन, थर्ड एंड नाइन्थ कहा है ना, ए नाइन लिखेंगे आप. ए नाइन कितना है आपके पास? ए नाइन इज माइनस 8. आपने फाइंड क्या क्या करना है? ए एन कितना है? 0. ए एन दिया है 0, क्योंकि बोला है एंड टर्म कौन सी है? 0 है. आप लिखेंगे ए एन, आपने फाइंड करना है 0, आपने बोलना है कौन सी टर्म होगी, तो वही आप फाइंड करेंगे. ठीक है ना. चलिए जी, हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं. आपका सॉल्यूशन जो शुरू होगा, हम लिखेंगे कहां से शुरू करेंगे हम. चलेगी, चलिए जी, हम फॉर्मूला जानते हैं फिर से वही. ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 2d. ए थ्री कितना है? 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. एंड उसके बाद ए नाइन का फॉर्मूला, ए नाइन का फॉर्मूला कितना है आपके पास? ए नाइन का फॉर्मूला ए प्लस 8d. ए नाइन कितना है आपका? माइनस 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8d. दिस योर सेकेंड इक्वेशन. करो जी, अब क्या करेंगे हम? सेम एज इट इज, एज वी डिड इन प्रीवियस क्वेश्चन, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. सो इजी, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर दिया. हम लिखेंगे ए प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8. काफी आसान है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है आपके पास. ठीक है ना. माइन, अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, हमने लीनियर इक्वेशंस में ये चीजें पढ़ ली है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली लिख रहा हूँ. ए प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया ना. एंड यहाँ क्या है आपका? ए प्लस 2d इज इक्वल टू है आपका 4. सब्ट्रैक्ट कर लिया, तीसरा साइन खत्म हो गया. यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया. यहाँ बचा 6d इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा आपका कितना? माइनस 8 माइनस 4 हो गया माइनस 12. डी इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6d. निकला आपका माइनस 2. 6 1 6 6 2 12. डी आपका माइनस 2 हो गया. इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है? डी अगर माइनस 2 हो गया, अब आपने 0 बोलना है, कौन सी टर्म होगी? हम सपोज करेंगे लेट द nth टर्म बी 0. nth टर्म बी 0, मान के चलते हैं nth टर्म 0 है. अब चलो लगाओ फॉर्मूला. a इज इक्वल टू, हाँ यहाँ से d ही आपने सिर्फ फाइंड किया. अब हम अब यहाँ से पुट लिखेंगे d इज इक्वल टू माइनस 2 इन फर्स्ट, क्योंकि आपको निकालना क्या है? आपने ए भी निकालना है. चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू माइनस 2. 4 इज इक्वल टू ए माइनस 4. ए इज इक्वल टू ये माइनस 4 इधर आएगा, 4 प्लस 4. ए इज इक्वल टू 8. ए निकला आपका 8. ए 8 निकला ना. अब आप लिखेंगे ए, हमें मालूम है फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब ए एन आपने मान के चला ये 0 है, इज इक्वल टू ए दिया है. अभी निकाला आपने a, a कितना है? 8 प्लस n माइनस 1, n ही तो हम निकालने जा रहे हैं, n माइनस 1 इंटू d. d अभी निकाला था आपने, d कितना है आपका? माइनस 2. चलो जी, 0 वो माइनस 2 नहीं, ये 8 इधर आएगा, 0 माइनस 8, वो 2 इधर आएगा, वो बनेगा माइनस 2. वो 2 मल्टीप्लाई में है, उसको इधर लाएंगे, डिवाइड में जाएगा. आप माइनस भी ला सकते हैं, कोई मसला नहीं, इज इक्वल टू n माइनस 1. एंड वहां से आगे ये बनेगा, देखो ये माइनस 8 अपॉन माइनस 2 आ रहा है, इज इक्वल टू n माइनस 1 आ रहा है. उसके बाद यहाँ से आगे क्या होगा देखिए, माइनस माइनस कैंसिल, 8 अपॉन 2, 2 1 2, 2 4 सारे 8, ये आ रहा है n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू 5. यानी फिफ्थ टर्म जो है इस एपी की क्या आ रही है? 0 आ रही है. n 5, n 5 आ रहा है ना, तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म जो है वो आपके पास क्या आ रही है? आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं. जरा देखो, अभी चेक करते हैं a5 का फॉर्मूला क्या है आपके पास? a प्लस 4d. चेक करते हैं ए कितना अभी फाइंड किया, 8 प्लस 4 इंटू डी. डी अभी कितना फाइंड किया आपने? डी कितना था आपके पास? माइनस 2. चलो जी, 8 प्लस माइनस, अब यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस, माइनस 8, 8 माइनस 8 0. कितना है ना, कितना आसान है आपके पास, कितना मजेदार क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 10 को भी खत्म कर लेते हैं. वो भी क्यों रखना है आपने? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज, योर क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, कहता है क्या कहता है क्वेश्चन आपका? इफ द 17th टर्म ऑफ एन एक्सीड्स इट्स 10th बाय 7. 17th टर्म जो है वो एक्सीड कर रही है 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. 17th टर्म एक्सीड्स द 10th. 17th टर्म आपके पास a 7. हम लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे आप? a7. 17th टर्म के बारे में कहा है ना,
इफ द 17th टर्म एक्सीड्स द 10th a17 इज इक्वल टू कुछ नहीं दिया a17 का फॉर्मूला हम सॉल्यूशन ही शुरू करेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा इसका ठीक है ना a17 आपके पास दिया हुआ है कितना है a17 बोला है a17 का फॉर्मूला क्या है a+16d ये चीज आप जानते हैं a+16d होता है इसका फॉर्मूला एंड 17 एक्सीड कर रहा है 10th a10 का फॉर्मूला आपके पास कितना है a+9d वी हैव हमारे पास दिया हुआ है वी आर गिवन चलिए जी वी हैव क्या है हमारे पास क्वेश्चन आपसे कहता है कि 17th टर्म एक्सीड्स द 17th टर्म जो है एक्सीड कर रहा है 10th को 17th टर्म का फॉर्मूला क्या है a+16d एक्सीड्स द ये एक्सीड कर रहा है किसको एक्सीड कर रहा है 10th को 17th टर्म एक्सीड्स द 9th a+9d लिख लिया आपने अब मैंने आपको कहा था जो क्योंकि 17th को कहा है वो एक्सीड कर रहा है तो हमने उसको देना +7 17th टर्म एक्सीड्स द 10th by 7 चलो जी आगे क्या होगा आपके पास a+16d उस 9d को इधर लाओ a उस a को भी इधर लाएंगे a माइनस a हो जाएगा +16d एंड उधर से -9d इज इक्वल टू 7 हो गया आपका चलिए जी a माइनस a इज 0 अब 16d माइनस 9d होता है आपका 7d इज इक्वल टू हो गया आपके पास कितना इज इक्वल टू चलिए जी कितना हो जाएगा आपके पास 7 d इज इक्वल टू 7/7 d निकलेगा आपका कितना काफी आसान है डी आपका 1 हो गया ना अब डिफरेंस ही निकालना था जो कि आपने निकाल दिया सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर रहा आपका 10 आई थिंक काफी है आज के लेक्चर में आज के लिए 10 क्वेश्चन हो गए अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बिसाइड्स दैट प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अपडेटेड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज थैंक यू